वेलकम टू दीप माला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, BBB3 आप लोग देख चुके होंगे, रिव्यूज कहीं देखे होंगे कहीं नहीं, लेकिन हमारे रिव्यू का आप लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों के लगातार इंस्टा पर DM रिसीव हो रहे हैं, माफी दीजिएगा इसलिए क्योंकि रिव्यू लाने में लेट हुआ, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाना थे और लाते लाते रिव्यू कुछ लेट हुआ। फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू हम ला चुके थे, अब ओवरऑल पूरी की पूरी वेब सीरीज का रिव्यू हम करने जा रहे हैं। अगर फिर भी आप एपिसोड बाय एपिसोड देखना चाहते हैं तो बताइएगा, लेकिन अब हमें लगा कि एपिसोड बाय एपिसोड आप लोगों को बताने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग पूरी वेब सीरीज देख चुके हैं, अब सिर्फ हमारा रिव्यू जानना चाहते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्विक सा रिव्यू। जी हाँ, चालू होती है सिद्धार्थ शुक्ला से ये वेब सीरीज। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला का बहुत ही खूबसूरत चेहरे का आधा हिस्सा दिखाया जाता है और सिद्धार्थ शुक्ला छा जाते हैं, ये क्या हुआ। जी हाँ, ये सॉन्ग स्टार्ट होता है, सिद्धार्थ शुक्ला नजर आते हैं, उसके बाद एक ऐसा इंसान दिखाई देता है कि जिसकी जेब में पैसे तो नहीं है, फटी जींस, चप्पलें और सस्ती दारू। जी हाँ, जिसकी जेब में पैसे तो नहीं है लेकिन अहम खूब है, अहम कूट कूट कर है। जब उसे एक बड़ा प्रोड्यूसर शर्त पर काम देता है कि उन्हें उनकी नेपोटिज्म की दुकान चलानी पड़ेगी, यानी उनकी बेटी को काम देना पड़ेगा सिद्धार्थ शुक्ला ने, यानी अगस्त राव एक ट्राई भी मारते हैं, उसके बाद उनको लगता है, उनकी आत्मा जवाब देती है कि नहीं, इसके लिए मैं नहीं बना हूं, मैं गुलामी करने के लिए नहीं बना हूं, मैं डट के खड़े होने के लिए और जिस तरह से मैं काम करना चाहता हूं, मैं किसी की शर्तों पे काम करना नहीं चाहता, अपनी शर्तों पर काम करके जीतना चाहता हूं। और सिद्धार्थ शुक्ला एक इतना बड़ा, यानी अगस्त राव एक इतना बड़ा ऑफर ठुकरा देते हैं उसमें, उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अगस्त राव को एक ऐसे किरदार में बताया जाता है जहां कोई उनके सामने कुछ नहीं कहता और कोई उनसे जो है ऊंची आवाज में बात नहीं करता या कोई उनसे जीत नहीं पाता, बेसिकली आप ये कहिए। लेकिन वहीं पर रूमी अगस्त के सामने आती हैं और एक जगह कुछ ऐसा सीन होता है कि रूमी कहती हैं और अगस्त सिर्फ सुनते चले जाते हैं और सुनते चले जाते हैं, और उन्हें भी लगता है कि भाई यहाँ पर तो सुनना ही अच्छा है, कहीं तो इंसान का दिल गवारा नहीं करता कभी कभी किसी जगह कि यहाँ पर बोला जाए, सिर्फ सुनना ही अच्छा लगता है। तो वहां पर अगस्त राव का ये डायलॉग बताया जाता है। ओवरऑल पूरी वेब सीरीज में सिद्धार्थ शुक्ला के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता रहा, लेकिन आगामी से रिलेटेड एक खास बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, तो रुकिएगा जरूर। उसके बाद जो है दोनों के बीच में कुछ कुछ चीजें भी होती हैं अगस्त राव और रूमी के बीच में, और अगस्त को ये लगता है कि मैं गहरे प्यार में हूं और अब मैं रूमी को अपना दिल दे बैठा हूं, लेकिन रूमी के लिए ये जो है महज एक इम्पल्सिव सा मूवमेंट होता है और कुछ भी नहीं, और वो आगे बढ़ जाती हैं और पहले एक लड़का होता है उनकी लाइफ में जिसको वो चाहती हैं, उसी के साथ जो है शादी करती हैं, आगे बढ़ती हैं। लेकिन चूंकि सिद्धार्थ शुक्ला सपने देख चुके थे, अगस्त राव ने सपने देख लिए थे शादी रचाने के, बुरी तरह दिल टूटता है और चूर चूर हो जाता है, इतनी बुरी तरह टूटता है कि वो जो सस्ती सी दारू की बात की गई है पूरी वेब सीरीज में, तो उसमें मिलाकर शैम्पू तक पी जाते हैं रूमी का, जो वो छोड़कर गई होती हैं। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और जो लड़की एडमिट करवाती है उनके पति का देहांत कुछ समय पहले ही बताया जाता है, जिससे सिद्धार्थ शुक्ला एक बार मिल भी चुके थे पहले, लेकिन एक छोटा सा मीट वो बताया जाता है। लेकिन वो इतनी सुलझी हुई लड़की होती है कि वो रियल मायने में अगस्त राव को बताती है और समझाती है, क्योंकि अगस्त उसके बाद भी अपनी लाइफ को डेंजर में डालने की कोशिश करते हैं, और वही जो लड़की होती है वो समझाती है कि भाई ये रियल लाइफ का मीनिंग नहीं है, ये प्यार नहीं है, अगर आप एक तरफा भी चाहते हो, अगर सिर्फ प्यार आपकी तरफ से भी है, एक तरफा भी है, तब भी वो पूरा का पूरा प्यार है और आप उस प्यार के साथ जी सकते हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें। और उसके बाद जब अगस्त राव को बताया जाता है तो फुली चेंज बताया जाता है, और रूमी इस दौरान 2 साल बीत चुके होते हैं, 2 साल का लीप गैप दिया जाता है स्टोरी को, और रूमी जो है वापस आती है और उसको ऐसा लगता है कि हस्बैंड
के साथ सिर्फ उसका एक फ्लक्चुएशन था और कुछ भी नहीं, और वो रियल प्यार नहीं था। जल्दबाजी में जो है शादी की है, और वो फिर अगस्त राव को एक दिन एक पार्टी में देखती हैं और फिर से उनका दिल आ जाता है कि वो अगस्त राव के साथ रहें, और फिर से अगस्त उनकी तरफ उसी निगाहों से देखें जिस तरह उनका एक समय पर रिश्ता हुआ करता था। लेकिन अगस्त अब बिल्कुल चेंज, बिल्कुल बदले हुए अंदाज में, जो इंसान हर टाइम गुस्से में और एकदम भड़का हुआ सा और चीज़ों को फेंकते तोड़ते फोड़ते नज़र आता था, वो एकदम सुलझा हुआ इंसान सा नज़र आता है। चश्मा लगाए हुए, सिंपल सी लीलन की शर्ट पहने हुए और ट्राउज़र पहने हुए सिद्धार्थ शुक्ला को, यानी अगस्त राव को यहाँ पर दिखाया जाता है। लुक टोटली चेंज होता है, उसके साथ साथ जो है कैरेक्टर का स्वभाव भी पूरी तरह चेंज होता है। तो आपको एक चीज़ बताएं, बहुत सारे लोगों ने कबीर सिंह के साथ तुलना की थी, तो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि कबीर सिंह में सिर्फ लाउड लाउड और लाउड रिएक्शन दिखाया गया है, जबकि यहाँ पर अगस्त राव का लाउड रिएक्शन दिखाया गया है, फिर ठंडा बहुत सुलझा हुआ, प्यार में पढ़कर बहुत सुलझ गया इंसान, बहुत सवर गया इंसान, एक ऐसे इंसान की तरह जो है यहाँ पर दिखाया गया है अगस्त राव को, सिद्धार्थ शुक्ला को। तो कबीर सिंह और अगस्त राव के कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा दूरी है। दूसरी चीज, लास्ट में कबीर सिंह की शादी भी हो जाती है जिन्हें वो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर रूमी बार बार नजदीक आने की कोशिश करती है अगस्त के, और अगस्त दूर कर देते हैं, क्योंकि वो अब रूमी को नहीं बल्कि उन्हें समझ आ जाता है कि सिर्फ वो एक अट्रैक्शन मात्र था जो रूमी के लिए था, बल्कि अब वो साक्षी को चाहते हैं, जो दूसरी लड़की बताई जाती है। तो अब यहाँ पर हम आगामी के लिए ये कह रहे थे कि भाई जिन लोगों ने ट्रेंड चलाए #आगामी, तो भाई सीधा साफ पोपट हुआ है। किसी को भी बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर रियलिटी माने तो अगर श्री रियली ट्रेंड होना चाहिए था, अगर होता तो ग्रुप में, अदरवाइज अगस्त राव बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनकी जो है साक्षी के साथ जो बॉन्डिंग बताई जाती है वो रूमी के साथ बिल्कुल भी नहीं, और इनफैक्ट वो बहुत दूर जाते हुए बाद में रूमी से नजर आते हैं और दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो शादीशुदा है और समझाते हैं कि शादी के मायने बहुत दूसरे होते हैं और तुम अपनी शादी को खराब मत करो। हालांकि रूमी आखिरकार अपने पति से डाइवोर्स ले लेती हैं और सिद्धार्थ शुक्ला अपने काम की ओर लग जाते हैं, यानी जो उनका थिएटर ग्रुप होता है उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये तो हुई स्टोरी जिन लोगों ने नहीं देखी है उनके लिए, अब आपको ओवरऑल बताते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की एक्टिंग। घायल कर दिया सिद्धार्थ शुक्ला ने सभी लोगों को, इनफैक्ट सच बताएं तो जितनी उम्मीदें हमने बांधी थी सिद्धार्थ शुक्ला से, उससे कई गुना ज़्यादा सिद्धार्थ शुक्ला खरे उतरे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की एक्टिंग का क्या कहना, सिद्धार्थ शुक्ला के एक्सप्रेशंस का क्या कहना, लाउड भी थे, काम भी थे, बहुत सटल भी थे, बहुत समझदार वाले लुक्स और एक्सप्रेशन भी थे, यानी ओवरऑल सिद्धार्थ शुक्ला जब रोए, सच में जब सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट ब्रेक हुआ तो सच में सभी को दुखा और सभी को लगा कि हमारा हार्ट ब्रेक हो रहा है आज। फिर उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और फिर धीरे धीरे अपने टुकड़ों को समेटते हैं और एक नए अगस्त के रूप में खड़े होते हैं। जैसा कि हमने आपको स्टोरी में बताया, वहां पर जब सिद्धार्थ शुक्ला की आंखों में आंसू देखे जाते हैं और सिद्धार्थ शुक्ला बहुत सुलझे और समझदार, तब लिटरली फैंस का कहना है उनकी आंखों में आंसू थे, और सच में सिद्धार्थ शुक्ला की आंखों के आंसू देखकर आंसू आ रहे थे, हार्ट ब्रेक देखकर हार्ट ब्रेक फील हो रहा था, खुशी देखकर खुशी फील हो रही थी। और रियल स्टार की पहचान वही है कि वो अपना इमोशन आपको फील करवा दे और आप उसके इमोशंस के साथ बह जाओ और आपको फील ही ना हो कि वो रियल है या रील, तो वही रियल स्टार है। तो सिद्धार्थ शुक्ला ने सच में वो कर दिखाया, और ओवरऑल वेब सीरीज बहुत अच्छी थी, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी। जो लोग प्यार, लव, इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं और सच्चे प्यार की तलाश में होते हैं, तो इस जो वेब सीरीज है उसमें क्लियर बताया गया है कि क्या आकर्षण है और कौन सा प्यार है। तो भाई जो इस तरह के लोग हैं उन्हें इस वेब सीरीज को देखने के बाद लाइफ में काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है कि आगे क्या करना चाहिए,
चाहिए और क्या नहीं, ये बिल्कुल सच है। और हमारी तरफ से अगर रेटिंग्स की बात करें तो पूरे पूरे 10 out of 9 जो है सिद्धार्थ शुक्ला की वेब सीरीज को जाने चाहिए। और सिद्धार्थ शुक्ला का काम बहुत ही बेमिसाल था कि सिर्फ और सिर्फ इस वेब सीरीज की अगर बात होती है तो सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला का ही नाम आता है। और क्या चाहिए, रिव्यू कैसा लगा और आपको वेब सीरीज कैसी लगी, क्या फील आया, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इनफैक्ट नेक्स्ट लाइव में, तो जल्दी से आ जाइए लाइव के लिए। लाइव में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।